दोस्तों आज मैं आपके सफेद होते बालों के लिए एक हेयर पैक बनाऊंगा कि इस हेयर पैक के द्वारा आप अपने सफेद होते बालों को काला कर सकते हैं, आप अपने बालों की लंबाई को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं, साथ ही अगर आपको गंजेपन की भी प्रॉब्लम है तो उस जगह पर नए बालों को उगा सकते हैं। दोस्तों आपको हमारे इस नुस्खे को हफ्ते में केवल 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करना होगा और 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपके हेयर की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ आपके सफेद बाल भी काले होना शुरू हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए आधा कटा हुआ नींबू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके अंदर नींबू का रस ऐड करना है और नींबू के रस की मात्रा आपको इसके अंदर लेनी है 1/2 चम्मच। तो दोस्तों सबसे पहले आप 1/2 चम्मच नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर लें। तो दोस्तों इसके अंदर आपको अब दूसरी चीज ऐड करनी है, नवरत्न तेल। दोस्तों नवरत्न तेल एक आयुर्वेदिक तेल है और इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है जो हमारे स्कैल्प पर बालों की जड़ में बहुत तेजी से समा जाता है। तो दोस्तों इस आयुर्वेदिक तेल के पाउच को आपको पूरा इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें ऐड करनी है एलोवेरा जेल और दोस्तों एलोवेरा जेल की मात्रा आपको इसके अंदर लेनी है 1 चम्मच। इसके बाद दोस्तों आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों इसके अंदर हमने नींबू का रस ऐड किया है क्योंकि नींबू का प्राकृतिक अम्ल हमारे बालों की जड़ों से मृत कोशिकाओं को हटाने का काम करता है जिसके बाद हमारे बालों का सफेद होना रुक जाता है और हमारे बालों की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ने लगती है। इसके बाद दोस्तों हमने इसमें दूसरी चीज ऐड की है एलोवेरा जेल। दोस्तों एलोवेरा में ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे बालों का पीएच लेवल ठीक रखते हैं और हमारे बालों को खुजली तथा रेडनेस जैसी समस्याओं से दूर रखने का काम करते हैं। दोस्तों एलोवेरा में गजब का जादू होता है क्योंकि एलोवेरा जेल से हमारे बालों का झड़ना सफेद होना बंद हो जाता है। इसके अंदर हमने तीसरी चीज ऐड की है नवरत्न तेल। नवरत्न तेल के बारे में आप जानते ही हैं। दोस्तों नवरत्न तेल में ऐसे आयुर्वेदिक गुण होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं क्योंकि दोस्तों बाल सफेद होने का सबसे मुख्य कारण टेंशन माना जाता है और नवरत्न तेल स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ हमारे स्कैल्प को ठंडा रखता है जो हमारे बालों के लिए भी वरदान साबित होती है। तो दोस्तों इन तीनों चीजों का मिश्रण आप जान गए होंगे कि आपको किस तरह से इनको लेना है और किस तरह से इस नुस्खे को तैयार करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपको इसे अपने बालों की जड़ों में किस तरह से अप्लाई करना है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको इसे नहाने से कम 1/2 घंटा पहले अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है और जहां पर आपके सफेद बाल है वहां पर आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है, यानी आपको इसे वैसे तो पूरे बालों में अप्लाई करना है लेकिन जहां पर आपके सफेद बाल हो रहे हैं वहां पर आपको इसे ज्यादा अप्लाई करना है। दोस्तों 5 से 7 मिनट आप इसे बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई करें और उसके बाद इसे कम से कम 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें और 1/2 घंटे के बाद आप नॉर्मल पानी से बालों को वॉश कर लें। दोस्तों इस उपाय को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है और दोस्तों जब आप इसको 2 से 3 बार अपने बालों में अप्लाई कर लेंगे तो आपको अपने बालों में खुद ही फर्क देखने को मिल जाएगा, यानी आपके सफेद बाल आपको काले देखने लगेंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं जहां पर आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है वहां पर भी आपको काफी हद तक फर्क दिखाई देगा, यानी आपके झड़ते हुए बाल भी काफी हद तक रुक जाएंगे और आपके स्कैल्प पर जहां पर आपके बाल नहीं है वहां पर आपको नए बाल दिखना शुरू हो जाएंगे क्योंकि यह हमारे बालों की जड़ों में बहुत तेजी से पहुंचता है और हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेमेडी, आई होप कि आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने सफेद होते बालों को काले बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नुस्खे का हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करके जरूर देखें और अपने बालों को स्वस्थ तथा सुंदर बनाने का काम करें। तो फ्रेंड्स आप हमारे इस नुस्खे से फायदा उठाइए और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।